जय बाबा गोरखा। महारानी जी आगे मैया कांद का दाम निकल लोगे, कांद का जगिया फूकी दल के रे। महारानी जी पेट फूक फूक करे से बताओ। महारानी जी आगे मैया आगे कौन है सीता सब हंसा है सुने हो रुको तन को बुढ़िया खबर दी है दादा। ए दादी माँ, दादी माँ, ए महारानी जी गेल हो। हे भगवान, मेरी महारानी को क्या हो जोगिया रे ना फूकी के भागी गेल हो। क्या जोगी फकीर, ए महारानी जी का नाश रुकी गेल है बेटी। हे भगवान बेटी, कोई जासूस फकीर ने मेरी बहू को आज मार डाला। अगर ऐसा है जो कि फकीर तो ढूंढ कर ले आओ, आज मेरी बहू रानी जिंदा हो जाए तो अच्छा। दादी माँ अभी अभी हम महारानी जी के बगल में बैठिए, अगर जोगिया यहाँ से निकला तो अभी हम जाते। अरे क्या हुआ बच्चा, ये क्या हो गया, मेरी बहू रानी को क्या कर दिया। माँ तू साइड में खड़ी हो जा, और बच्चा इसको चेक करना पड़ेगा। बताओ जो नियत खराब है, लेके अग्नि बताओ तुरंत फूक लाइन बताओ कौन चीज चेक करते हो। इसको चेक नहीं करूंगा तो बताऊंगा कैसे कि हुआ क्या है। चेक करो तो आज मीटर से। अरे वैसे चेक कर लेता हूँ मैं, जो भी बैरागी हूँ। आप बाबा है? मैं बाबा हूँ। कौन बाबा को? मैं दबा देता हूँ। अरे सुई नहीं देता हूँ बच्चा, शांत हो जा, साइड में खड़े हो जाओ। उधर पहले देखने दो। बताओ इस जोगिया ने और हाथ पकड़ी को चूड़ी गिरे छे मारबो तोरा घर झुकिए छोरा दो। मां इसे कुछ नहीं हुआ है। बोलती मेरी बेटी, ये अपने पति के विरोध में कोमा अवस्था में चली गई। कोमा अवस्था में, कोमा अवस्था में मानव जीवित तो रहते हैं लेकिन एक मुर्दा के समान। कुछ नहीं होगा इसे। माँ एक काठ का बक्सा बनवा करके इसे उस काठ के बक्से में ठिकाना लगवा करके रखवा दो। लेकिन बेटा जिस दिन मैं गुरुदेव के शरण से लौटूंगा तो मैं इसे जीवित कर पाऊंगा। बेटा को जा, तुम्हारे कहने के अनुसार मैं अपनी बहू रानी को काठ के बक्से में रख देती थी और उस बक्से से तू जीवित करेगा जिस दिन तू लौट। ठीक वाली आई, चल तनी जा। चलो मैत्री पोता, मन लागो मोरा यार फकीर। मन लागो मोरा यार फकीर।
आइए संगीत को चाहने वाले मेरे दोस्त, बहुत ही रस आप लोगों ने आज का अभिनय, आज का अभिनय, आज का नाटक गोपी चंद्र के माध्यम से आप लोगों ने देख रहे हैं, आज का शानदार से दर्द भरे कहानी। और आइए लेंगे नाटक को कुछ पल के लिए।